तारा जम्मे नहीं भाई, तारा जम्मे प्यास ला करिए तारा, तो भाई बाजार में चीज मिल जाएगी अपने किसी दी बेटी के लिए खिलवाड़ ना करो भाई। दामन में कपटा में तो मानदान यार, अपना देश का दया सुधर जाएगा यार। बेरन क्यों यार, ऑटोमेटिक तो हुआ भाई केक हुआ है, लेकिन यार बेरन यार मन नहीं लगता सुधर जाएगा यार। उरा हर बंदा चोर है, हर बंदा बेईमान है भाई। दो न्यूज लगा कर न्यू बिकोगी नशा पत्ती में, नशा में भाई रेल तला कहता कौन कटे भाई, नशा में जो 2 लीटर की बोतल थी बात पेट्रोल की उसने खुद का ऊपर क्या था कौन काम में पिता काट दिया, ये मोटर समरसेबल आगे मोटर में पिता काट दिया तो वे बंदे पकड़े गए। जिसका पिता काटे उन्हें का प्रयोग आपको क्या लगा, जो अपना हरियाणा में है जो क्राइम है कई इनको दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, सरकार की कोई माने प्रशासन की कमी, इंसान की कमी? आज उसका घर का ताला भिड़ रहा भाई, आपने वीडियो भी देख ली होगी, कल ने तारा घर कभी न्यू ताला भिड़ जाएगा ठीक है। तारे माँ बाप ने तार पर धिकार होगा, तारे तार पर जनता थुक्का के करता मैं ऐसे ऐसे गिनोने काम करो। तो भाई मैं जय रही आंटी देखने वाले बसा दर्शकन विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भी आपको बताना चाहूँगा, आज मैं पहुँचा हूँ कुराड़ गाँव में, जो कि कुराड़ गाँव है डिस्ट्रिक्ट कैथल में गाँव आता है। और जो आप फ्रेम में देख पा रहे हैं जो हमारे साथ अजय गिल हमारे साथ है, जो कि आपको पता कि पूरे हरियाणा में फेमस है, लेकिन इनके गांव में एक बहुत ही दुखदायी घटना भी घट जाती है। यानी कि दोस्तों बताना चाहूँ कि भी जो एक 7 साल की जो लड़की है मानसी भी, उनको है पहले तो उनके साथ भी रेप किया जाता है और बाद में है उनको जलाया जाता है। हमारे साथ अजय गिल है भी, राम राम भाई। राम राम भाई। अच्छा भाई, जो आपके गांव में यह घटना घटी है अजय गिल, मतलब आपने पहले सोचा था कि आपके गांव में ऐसी घटना घटी? ना भी गांव गांव में कैसी ऐसी घटना भी हो, मैं नहीं कहूँ पूरी दुनिया में कड़ियाँ मिली होनी चाहिए ठीक है यार। चल इससे तो बड़ा नीच काम यार हो ही घूम सकता यार, 7 साल की छोरी ने के भी गया था आपसदारी में पड़ोस का काम यार। चल उसका मानना जे जो मैं गणी अवस्थे भी हो तो यार 200 रुपया पेट्रोल ले आयो, 400-500 रहेगा अपनी को केक वह कैमरा से हम 400-500 रहेगा भी हो, जगह जगह सिस्टम है भी हो, पैसे हमें वह चीज़ मिला है तो यार जो बहुत माड़ा हो रहा भाई। देखिए आपने एक पोस्ट भी डाली थी अपने कम्युनिटी में उस मानसी लड़के की, मन देखी भी थी तो उसके बाद कितनी देर में लड़की मिलती है भाई? देखो 8 तारीख ने गुम हुई थी वहाँ ठीक है, 8 तारीख ने जो बोले 2:30 शायद सबसे पहले आपने उनकी पोस्ट डाली। हाँ मैंने डाली थी पोस्ट भाई उनकी, क्यों गांव का मामला था यार आपसदारी में सहयोग कराना भी चाहिए, कई बेरा था भाई गाँव में मिल जाएगी पोस्ट तो जनता डाली थी भाई आपस पड़ोस के जितने भी और हरियाणा देखा अपने जो कर ले उसी हफ्ते, तो जो कर ले 8 तारीख ने वो गुम हुई थी, फिर पुलिस वाले तक इन्फॉर्मेशन दे दी थी 8 तारीख के बाद वही तो थी वह मतलब कि 1:30 बजे से गुम, तो क्यों या घर कहीं बोलनी 2:30 बजे गुम हुई है, जितनी भी CCTV खंगाली गई वे 2:30 तो ऊपरली खंगाली गई, उससे नीचे को नहीं खंगाली गई। तो क्यों या फिर अगला दिन 9 तारीख ने जंगल की ओर चले गए, तो एक बंदा ने रुका मेरे किसने मेरे नहीं दनोरी मिल गई, सारा गांव दनोरी मिली, मैं तो नहीं कहूँ शायद कह रहा वही बंदा हो जिस पूरा का पूरा गांव हो गुमराह कर दिया। हाँ गुमराह कर दिया उसका, उस बंदा ने भी मेरे रुका की दनोरी मिल गई ताकि डेड बॉडी ना पर ना सेट कर सका वो। फिर भाई पुलिस ने डेड बॉडी पै गई जली, आधा जला शरीर पाया भाई, टांगा तो उपरली उपरली सारी जल रही थी वह, फिर उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, CCTV कैमरा मैं भी गया मेरे बोला भाई मन मारी है। अच्छा और पता कैसे लगा कि भाई जो जो पवन के नाम था जो आरोपी है, फिर पता कैसे लगा भाई इसने पता है वादा CIA की स्पेशल टीम बनाई गई थी, स्पेशल टीम आई उसने फिर क्या हुआ 1 बजे तक ऊपरली CCTV खंगाली उसमें देख गया बंदा। अच्छा 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 हाँ। अच्छा बता ये कि जो पवन नाम का जो युवक था और जिसकी 19 साल की जिसकी उम्र थी मतलब भी गांव में मतलब गांव के साथ था वो भी जमा जुलम की बात है भी वो गले गल रहा उसकी, एक बार भी रूम को नहीं काम भी रहा, एक बार भी उसने जो सोच रहा था के कांड कर रहा है हैं भाई, दो न्यूज लगा कर न्यू बिकोगी नशा पत्ती में, नशा में भाई रेल तला कहता कौन कटे भाई, नशा में जो 2 लीटर की बोतल थी बात पेट्रोल की उसने खुद का ऊपर कहता कौन डाल ली भाई, खुद कहता कौन यार ये एक बेरे बात अपना समाज में बनना है भी हो, नशा का बनना ले लें लोग, नशा में भाई साहब चाहे तो कितनी दारू पी रहे हो, तो भी कदम ब्याह शादी में दारू पी के जरूर घर आया होगा, राम तो राम तक गेट खुला घर का, राम राम तक कदम बेरें लग जाए सारा सोदिया में था यार बंदा यार उसने बिल्कुल जो सोच समझ काम करे भाई, सबूत मिटाने की कोशिश करें भाई सारी जड़ाई है यार, पहला बलात्कार करे है तो उसके बाद वह सिंगाड़न रोन लगी किलकी लगी मान, उसके बाद उसका गला घोट कर मार दिया, फिर भी कोई मन भरिया पेट्रोल ले गया, फिर वह पेट्रोल गला जला दी। जिस टाइम आपने पोस्ट डाली थी मतलब अपनी उम्मीद थी कि भाई
मानसिक साथ ऐसा भी हो सकता है। ना ना भी कोई उम्मीद नहीं होती, सिर्फ आपको तो ये थी कि भी कहीं पर लापता है और मिल जाएगी। बस बस मैं उस टाइम भाई जज्जर जा रहा था गांव वाले भाई, यहाँ फोन आया था ग्रुप में बहुत सारे फोटो आई थी भैया फोटो रहती, फिर मैंने पोस्ट डाल दी थी मैं भाई गाँव में यू काम कुराड़ मैच ऐसी यार आपने कहीं भी मिला तो नंबर दे दिया था मैंने भाई इस नंबर पर फोन कर दी। ये तो बात लो दो रवि कौन थी, ये तो बात अपना हरियाणा में भी कौन हुई भी कदे, जितने मामले हैं परली छाट के हैं इस धरती के मामले नहीं है, ये धरती बहुत 0% क्राइम है भी इस धरती पर, लेकिन आज देख ले सबसे बड़ा क्राइम भी आड़े हो यार जमा जुलम की बात है भैया जमा। अच्छा भाई देखिए मैं आप तो पूछना चाहूँगा मतलब कि जो ये पवन नाम का जो युवक था तो आपने इनका क्या स्वभाव लगे, आप यहीं के रहने वाले आपका गांव का स्वभाव बेरे बात गाँव बने की भी थोड़ी सी गलती है भी। पहले एक दो इसने दुकान पाड़ी थी, दुकान का मतलब कि ताला तुला तोड़ने की कोशिश करी थी उस टाइम पर भी कौन तो बोचा गया यू सोचा आपसदारी में क्या है परिवार में ले लेते आपने चोरी कर ली आपका दूसरा परिवार क्या है आप गला समझौता कर जाएंगे कि कोई बात नहीं बालक है पैड दी, लेकिन यूँ को नहीं हो रहा भाई। एक उदाहरण दूँ अपना पाँच साहब बिन्न है एक गांव में पिता काट दिया ये मोटर समरसेबल आगे मोटर में पिता काट दिया तो वे बंदे पकड़े गए जिसका पिता काटे उन्हें का परिवार का बंदा था वो आपस में समझौता करके और आज उसने पिता काटे है दारू पी के कल न किसी की नैड भी काटा गया तो क्या अपने आपस में दाबण की सोचे हैं करें तो वो ले बढ़िया काम की मैंने ले ली गलती, लेकिन भाई वो टाइम जह लिया जब उस टाइम पर कार हो जाती तो आज ये काम भी नहीं हाँ कौन नहीं हुआ था भाई कौन नहीं हुआ था आज ये काम नहीं हुआ था, छोटी छोटी गलतियां था बड़ा क्राइम बना भाई। अरे यू आपका शामी भी है कितना बड़ा क्राइम बने क्या बता ला चूल्हा कौन जलाया भाई वो काम में। आपको क्या लगा जो अपना हरियाणा में है जो क्राइम है कहीं ना कहीं दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है सरकार की कोई माने प्रशासन की कमी इंसानी कमी भी हो हर इंसानी कमी है सरकार प्रशासन ले लें यार पूरा अपना हर बंदा चोर है भी हो हर बंदा चोर है हर बंदा मन में कपटा मैं तो मानता नहीं यार अपना देश का देश सुधर जाएगा यार बेरा नहीं क्यों यार ऑटोमेटिक तो हुआ भाई केक हुआ है लेकिन यार बेरा नहीं यार मन लगता सुधर जाएगा यार पूरा हर बंदा चोर है हर बंदा बेईमान है भाई साहब अगर मैं मेरा एक रुपया फायदा होता नहीं एक रुपया फायदा चक्कर में मैं आपका 10 रुपया नुकसान कर दूंगा इनती के है राजनीति इनती चाहिए ईमानदार नेता चाहिए गांव में सरपंची का इलेक्शन है भी सरपंची का इलेक्शन में 20 लाख रुपये लगा देंगे गांव में बहुत सारे गांवों में दारू पी जाएंगे तो सीधी सी बात है अगर वो 20 लाख रुपये लगाओ पहला खुद के पूरे कराओ 20 लाख रुपये विकास करता हो जाएगा खुद तो ईमानदार बन देखो नहीं और नेता चाहिए इनती ईमानदार भला काम चल जाएगा भाई कला कला बंदा ने सोचने की जरूरत है कला कला बंदा ने समझने की जरूरत है ये देश अपना है भी हो इस देश में का कोई अपना अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं समझावेगा बोलता मैं यह चीज़ कर लो अपना देश है अपना सुधारना है। तो जो मानसी है तो मानसी के न्याय के लिए आप प्रशासन से सरकार से क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे कुछ कहना चाहेंगे भाई अपील तो है भाई जो गांव की पंचायत का फैसला होगा वो सर्वमान्य फैसला होगा भाई मैं तुरा लेके फैसला करूंगा भाई आप तो कल के बाड़ा का भाई इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई आप फैसला करा पंचायत में जाएगा ना बाप दादा और जो भी फैसला करेंगे वो फैसला सर्वमान्य हुआ भाई। अच्छा जो पवन था नशे नशे भी करा करता है नशे करे करा था भाई नशे करे करा था आज कल नशे कर रहे सरूवती तो बोले पुराना करिंदा था पुराना सरूवत नशे करे करा था थोड़ी बहुत ब्याह शादी में उम्मीद ले दारू दूर पीना नशे करे करा था। अच्छा और परिवार से था परिवार हाँ खुद के परिवार से था पर पता की बात हो रही थी अपना हरियाणा में जो बोले कुमार जाति कम है और जो भी चोरा भी कुमार जाति का था। तो भैया जी आप लास्ट में जो इस वक्त आप पब्लिक देख रही है पूरा हरियाणा अपना देख रहा है के कुछ आप संदेश देना चाहोगे, देखिए तो आपके गांव में घटना घटगी तो आप के कुछ संदेश देना चाहोगे क्या कुछ कहना चाहोगे भाई यूँ मैं कहूँ अगर कोई भी भाई ऐसी कुछ घटना करने की बहुत सारे इस दिमाग में भी चल रही होगी आज उसका घर का ताला भिड़ रहा भाई आपने वीडियो भी देख ली होगी कल ने तारा घर के बिंदु में ताला बिड़ जाएगा ठीक है तारे माँ बाप ने तार पर धिकार होगा तारे तार पर जनता थुक्का की करता मैं ऐसे ऐसे गिनों ने काम करो तो भाई मैं सब तंज में कहूँगा अगर तारा जमे नहीं भाई तारा जमे प्यास लाया करिए तारा तो भाई ये बाजार में चीज़ मिल जाएगी आपने किसी दी बेटी के लिए खिलवाड़ ना करो भाई। धन्यवाद भाई कोई नहीं तो भाई आप देख सकते हैं हमारे साथ है अजय गिल थे जो कि आपको पता है कि भी हरियाणा में हर कोई इनको जानता है और इसी के भी जो अजय गिल के गांव का ही मामला था और भी एक बहुत दुखदाई घटना जो इस गांव में घटी तो लगातार आप इस मामले को देख पा रहे हैं तो जितने साथी इस वक्त आप ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं तो आप इन तस्वीरों को भी शेयर करें हम फिर हाजिर हूँ किसी नई अपडेट के साथ भाई तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।